पिछा 365 चैनल भितरी कथा मध्यम आउ एक नूतन अध्याय को विज्ञ श्रोता मान को मु नारायण मिश्र अभ्यर्थना कर आज विषय वस्तु टी अलग विषय टीला चल मूर्ख हवा चल मूर्ख हवा एमती विषय वस्तु खूब कम अच्छी कितना भितर कथा मध्यम यह प्रकाश पाई जो मैंने भल पढ़ती राति दिन बापमा लगी था से लगी था दुनिया कौन देखती ना पादिन प्रथम द्वितीय श्रेणी ठारू पूरा शिक्षागत योग्यता सर पर्यंत से माने पूरा लगी था पाठपढ़ टेक्निकल लाइन में भी जाती जनरल लाइन में भी जाती से माने डाक्टर इंजीनियर भल भल पदवी रहती भितर आउ किसी से माने जनरल नॉलेज बा जीके साधारण ज्ञान आउ गोटे दुटा विषय को अति मात्रा रे भल कि पढ़ी आईएएस होती ये तल डाक्टर इंजीनियर भयंकर परिश्रम कर जीवन सारा प्रथम श्रेणी जा चाकरी बाकरी सहजरे पाई विभाग में निष्पत्ति निंती आईएएस वाला को मानती आईएएस वाला जो कैटेगरी की जाती जेकोसी जगह को जातु से मैंने आज अच्छा जल सेचन विभाग में काली जी शिक्षा विभाग को से सब विभाग निष्पत्ति नवार अधिकारी ये टेक्निकली क्वालिफाइड जो मैंने डाक्टर इंजीनियर एम कथा कि ना से तो सब विभाग में आईएएस वाला रूल करती कितु जो मैंने खाली बीए पास अधा बीए पास बीए पास करना मैट्रिक रही एमने सब जो अधा पाठुआ से मैंने सब मंत्री मान दलय लोक मान पचर घोड़ मंत्री ही जाती एमएलए हमें एमपी हमें मंत्री भी जाती ये डाक्टर इंजीनियर कैटेगरी टेक्निकली क्वालिफाइड से मैंने आउ जो प्रशासनिक अधिकारी आईएएस आईपीएस एम ये समस्ते मंत्री की मानती पाठर गति देखु जो मैंने भयंकर परिश्रम कले डाक्टर इंजीनियर हेले जो मैंने अल्प किसी जिके फिके पढ़कर परीक्षा परीक्षा देकर पाईगले से आईएएस हेले कि डाक्टर इंजीनियर आउ आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निकली क्वालिफाइड लोक समस्ते मंत्री की मानती मंत्री किए ना जो माने अल्प पढ़ी अधारु छाड़ दीचंती बीए पर्यंत जाइचंती कॉपी करी पास करचंती बा पास करना ए माने मंत्री ए माने विभागीय मुख्य आउ गोटे श्रेणी असंती जो माने पाठ साठ तांकर हुए नहीं मोटे से पिला दिन ठू बदमाशी करती बदमाशी कहले से मैंने बहुत जानाकारी केस ना अच्छी बारंबार थाना को जाती कि शेषु को से कड़े मझे चली जाती से बाबा ही जाती ये बाबा मान को ये तीन टाक तल कैटेगरी मानती आईएएस अफिसर्स टेक्निकली क्वालिफाइड डाक्टर्स इंजीनियर्स आउ मंत्री ये समस्ते बाबा को मानती बाबा पाक जाती ये आमर शिक्षार गति भारत वर्ष पाठ न पढ़ला लोक मंत्री हम पढ़ला लोक ताक मानव आ मंत्री आ पढ़ला लोक न पढ़ला लोक समस्ते बाबा को मानवे तेणु बाबा जौन सी गचमूले बसवा मात्रे से सांगे सांगे कोठा बाड़ी निर्माण घर फर जमीवाड़ी सब हो जाए और से ऊपर को उठी जाती कहार तात्पर्य है जे पाठ पढ़ार मूल्य कौ दिगे जा देखु ये भल पाठ पढ़ुले से समाज में पशिला बेलू आमती उज्जवल तारका हेले पका बैगण किणवे परिया पत्र आने बेलू देखिए शिखेबे घर कम जानि ना कि जो मैंने मंत्री होती से मैंने जानले भी टिके टिके जानते भी सी पचासटा चाकर रखी चलती बाबा पाखे ये मंत्री आईएएस अफिसर टेक्निकली क्वालिफाइड लोक डाक्टर इंजीनियर ये समस्ते मुंडिया मारती भविष्य जानवापी बाबा बसता कहते बाबा किए होती आपण मैंने कहली जो मैंने पूरा पाठ बहुत दूर से थाना बहुत थर केस फेस है से पड़ी जाइंट पूरा घर त्याग करदे कड़े गले जना ना कि आसिक बाबा ही जाइंट तेब गोटे सतकथा जोटाक गल्प आकार प्रकाश पाई चल मूर्ख हवा से विषय को आसवा विषयटी है
ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସ୍ ପାଇଥିବା ଲୋକ ଯୁବକ ବିବାହ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି କୋରାପୁଟକୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ସେ କହି ତୁମେ ଯାହା ବି କର ଧରାଧରି କରି ଚେଷ୍ଟା କର କେମିତି ଆମ ବଦଳିଟା ରଦ୍ଦ ହେବ ବାତିଲ ହେବ ଆମେ ପୁଣି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବା। ଏଠିକା ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାହିଁ ଯିବା? ତୁମେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଅଛ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଲୋକ ତୁମର ଚିହ୍ନା ପରିଛ, ଧର କାହାକୁ ଧରିକି କ'ଣ ବଦଳିଟା ରଦ୍ଦ କରିଦିଅ ବାତିଲ କରିଦିଅ। ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଜଣଙ୍କ ଯୁବ ଅଫିସର ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ ଯେ ଯିବାକୁ, ସେ ଯାଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଘରୁ ଚାପ ବଢ଼ୁଛି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ, ତେଣୁ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବଦଳିଟା ହୋଇଯାଇଛି ଟିକିଏ ବାତିଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ନା ନା ବଦଳିଟା ଆପଣ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଯାହା କରିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ବଦଳି ବାତିଲ ହେଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ଗଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଭାଗରୁ ଆସିଲା ଚିଠି ଯେ ଆପଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯାଇ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦିଆହେଲା, ଆଜି ଧରନ୍ତୁ 1 ତାରିଖ, ଆପଣ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ସେଠି ଜଏନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଭାଗୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି କହିଲା ଯେ ଜଣେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଧରୁନ, ସିଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବଦଳି ବାତିଲ କରିଦେବେ। ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଜଣ ଗଲେ, ଯାଇକରି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଠିକଣା ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନେଇ ଠିକଣା ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେଦିନ ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିତରକୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ମିଳିଲାନି। ଦିନକୁ 20 ଲୋକ ସେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଇଏ ଗଲେ 30 ନମ୍ବର ହୋଇକରି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗଲେ, ସେଦିନ ବି ବିଦେଶରୁ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଥିଲା, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଦିନ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିଲାନି। ତୃତୀୟ ଦିନ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟ କହିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିଟା ବାତିଲ ହେବା ପାଇଁ ତ ନା ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ତ ଆଜି ପାଳି ପଡ଼ିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଇ ଧରନ୍ତୁ 80,000 ବି ଧରନ୍ତୁ, 100,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ 10-20,000 ଟଙ୍କା କମେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଇଛି, ଆପଣ 80,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି? ନା ହଁ ମୁଁ ଆଣିଛି, ମୁଁ 100,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ନା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଟାଚ୍ଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ନା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖ, ନା ଦେଖା ହେବ, ଟଙ୍କାଟା ଆଗ ପହଞ୍ଚିସାରିବ, ଟଙ୍କାଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଖାଯିବ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଦେଖା କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଆଟାଚ୍ଟି ଧରେଇଦେଲେ, କାରଣ ଆଗର ତ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା, ରହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ କ'ଣ କେତେ ଲକ୍ଷ ଆସିବ, ଇଏ 80,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ କିଛି ନୁହଁ, ଆଉ କୋରାପୁଟ ଯାଇ ବସିଲେ ସେଠି କିଏ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବ? ତେଣୁ 80,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଟ୍ ବା ଆଟାଚ୍ଟି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଜଣଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ଚେଲାଙ୍କୁ ଧରେଇଦେଲେ। ତା'ର 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଇଏ ବସିଛନ୍ତି, ଡକର ଆସିଲା ଯେ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ରେ ବାବା ଉଠି ଆସିକରି ନମସ୍କାର କଲେ, କହିଲେ ଦାଦା ନମସ୍କାର। କ'ଣ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଥିଲି, ଇଏ କ'ଣ ଦାଦା ନମସ୍କାର କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କି ଭଲ କି ଦେଖିଲେ? କହିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ବଢ଼ିଯାଇଛି। କହିଲେ କିଏ? ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭାଇର ପୁଅ, ଭାଇ କ'ଣ ଭାଇର ପୁଅ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦାଦା ଡାକିଲି ସେଥିପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଘରୁ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ଗାଁ ବାଟରେ ପଶ ତା ବାଟରେ ପଶ ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ମାଡ଼ ବି ଖାଉଥିଲି, ଆପଣ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଥର ମାରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ। ନା ହଁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଲି ଏବେ, ଯେ ତୁ କ'ଣ ଏଠି? ନା ମୁଁ ପଳେଇଗଲି, ଗୋଟେ ଦୂରକୁ ପଳେଇଗଲି, ପୁରା ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଥିଲି। ନା ହଁ ପଳେଇଥିଲୁ ତ, ବାବା କହୁ ତୁମ ବାବା କହୁଥିଲେ, ଆମ ବାବା ବି କହୁଥିଲେ ଭଲ ହେଇଛି, ଏତେ ସବୁଦିନେ କେସ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଥାନାରେ ଯାଇ ହାଜର ଅପେକ୍ଷା ପଳେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ମୋତେ ଆଉ କେହି ଖୋଜିଲେନି, ମୁଁ ବି ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲି ନାହିଁ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ସ୍ଥାନ ଜାଗା ପାଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମୋର ରୋଜଗାର ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 2-3 ଲକ୍ଷ ଦିନକୁ ହେଉଛି, ସେଥିରୁ କିଛି ଯାଉଛି ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡରେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ରହୁଛି। ଏବେ ଏମିତି ବି ମୋ ପାଖରେ 4-5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ଦେଲେ ବି କାହାକୁ 5-10 ହଜାର ଦାନ ବି କରିଦେଇପାରୁଛି। ଯେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ, ତୁମର ବଦଳି କେଉଁଠି ହେଇଛି? ଇଏ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ପୁରା ପାର୍ଟି ଆଫା ଆଫା ହେଇଗଲା, କ'ଣ ତାକୁ କହିବେ? ତାକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର, ବିଦା କରିଛନ୍ତି, ତା ବାପା ମାଆକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁରା ଘରୁ ପଳେଇଛି, କେତେ ଥର ମାଡ଼ ଖାଇ ତା ଠିକ୍ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜାଣକାରୀ କିଏ ସେ ଛୁଆକୁ
झील पिला उठे नवा या चेषा कर शोधा मानने भाषा अभाषा सब कह सबुथ पारंगम लोकटी पाक आए गोटे कम नहीं कहे मोर कोरापुट बदली मुझे बात कराया चाहिए जानतु दादा आपण बात कैनसल हो गला आपड़ी अर्डर पाए कुआ सर बर्तमान बोली आप कहले सांगे सांगे खबर गला चली आउ विभाग मुख्यों पाक जीव चली से मंत्री पाक जीव मंत्री मुख्यमंत्री पचारे मुख्यमंत्री मत पचारे मु हाँ करी एवं सीटा बदली कैनसल हो गला जान कहे मुझे जाऊँ ना हाँ बाबा पुणी मुंडिया मारे क्या आई सब सब क्या दादा सी दादा चली आईला बाटा तक भाभी भाई आसिले जे कौन मुझ कली मोर बदली जदि कोरापुट होता बर भल होता मुझे बर भल है देखा जाऊ कौन होपर दिन सी दसटा एगारटा को फोन आसला जे आपणकर बदली बातिल आपण आसी नहीं जातु आपण भुवनेश्वर जो थे से रे जी कहले से कहले आपणकर बहुत उपर हाथ अच्छी मुख्यमंत्री पर्यंत तेणु किसी असुविधा हेनी आपड़ से कंटिन्यू करेंगे आपड़ अर्डरटा नहीं जातु ये आई सब सरकार अर्डर टी आने आसला बेले टे कांद कांद देखा घरे आसी पहुँचले स्त्री कहले तुम तो कैनसल हो गला आम एमती कांद कांद कहीं हूँ मन कहीं दुख कर भुवनेश्वर आम रहा विल बी एंजॉइंग आम जमी आनंद करते सेम आनंद कर असुविधा पुणी कौन है कहे कैनसल हवाटी जिनसा ना जिनसा हूँ कैनसलटा कौ प्रकार है ये पाठपढ़ा ये घटा जीवन जाक भल पा हवा दुष्टामी नक सार मानक मानवा बाप माँ जहाँ कहे मानवा राति दिन बस आंठे पढ़वा तापर से चाकरी करवा आईएसपी पढ़ी आईएस पाइबा ये सब कौन आवश्यकता अच्छे मुझे सी मोर पुतुरा जी सी तो मूर्ख महामूर्ख से खाली ना दस्खत शिखी पढ़ाई आउ तो किसी से जानी पढ़ा पढ़ला नहीं सी दस्खत छड़ा सी किसी जानी जदि ताखे आमको जा शरण पशा पड़ा सी भी पुणी 80,000 टाँह देकर कोई टाँह किए फेर टाँह कड़े गला से टाँह विषय किसी पचार ना मुझे से आई सब जन भितर क्या पचारे टाँह आसा मतलब से मंटा मंटी हो जो जा फेरबार ना आपड़ से कंडीशन टाँग दिंतु टाँह आप फेरी पाइबे के टाँह तो 80,000 गला गला ट्रांसपोर्टा है टाँटा कम देखेगा ठीक अच्छे कितु जो लोक द्वारा है से लोक द्वारा हवा मुझे चाहून तेणु मुझे भावुची जे ये भल पढ़ी कौन मुझे लाभ कौन है बर मूर्ख हवा भल था मूर्ख होकर एक मंत्री होता ना कि ना गोटे बाबा होता सर्वोच्च स्थान में बस था जहाँ पाक के मंत्री के लोक आसाजे गोटे काल्पनिक कथा से कथा नुह एमती होलवे जन अफिसर जॉन करते बाप माँ का गोटे पुओ सी प्रथम देखिले बहुत बड़ पोजिशन इंजीनियर देखले जे टंका सब निकोसी टेंडर हो नौ से टंका दौर लक्ष लक्ष टा बंटा चलती कम खूब कम पहुँची से विषय सब डिटेल संग्रह कले तथ्य एवं सब तथ्य उपरको लिखिते प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएम को कॉपी देते डिपार्टमेंट को कॉपी देते एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग कॉपी देते समस्त कॉपी देले तार तीन दिन पर डेड बॉडी मिलला से रेलवे लाइन उपरू एवं तो आपने देखुवे के सांबादिकते कौन जो मैंने आगे फटाफट होती कमी का तेणु मुझे कही पार्टी खोलने दोष पार्टी न खोलने भी दोष कहीं जो आप गोटे कौन सी कार्य करने को जी से पाइपलाइनटा एभली स्टीमलैंड देशटा एभली दिगे एस्टाब्लीश हो आप एजुकेटेड हेले भूल भल पाठ पढ़ले भूल पार्टी खोलने भूल ये देशर आम स्वाधीन नागरिक तेणु से आम गोटे पिलादे आम बेले नुह आम पर बहुत दिन पर गोटे पढ़ाऊला आम तो भाग्यवान पिले आम के भाग्यवान आम पर जो नेक्स्ट जो जीवपीढ़ी आए भी कौन किभली भाग्यवान हे शतकटा केतर काम हम एवं से विषय जी मुंड पुरेब तार अवस्था कौन हम एवं सबुठ बड़ कथा हूँ पाठ न पढ़ले लोक पाखे पाठ पढ़ा लोक मैंने निजर इज्जत मत सारी मुंडिया मार्चंती या दुखर कथा शिक्षा जगत कौन अच्छी जन किए कही गोटे देश को नष्ट तार शिक्षा स्वास्थ्य विभाग बिगाड़ बिगाड़ दियो से देश ऑटोमेटिक नष्ट आमर तो सैया स्वास्थ्य विभाग कथा जानते
नर्सिंग होम फर्सिंग होम अंक ढमक केमी कौन सब प्राइवेट चलती सरकारी केमी चलती आ शिक्षा व्यवस्था शुणिले तेणु ये देश जो स्वाधीन होमें जो भाग्यवान पिला आम पिला कौन है स्पष्ट अनुमय आजपाई ये नमस्कार।